Hello guys, I am Jatin Vashisht and today we have this phone, Samsung B310. The problem with this device is that whenever I insert the SIM card, it will always ask for a PIN code. I have switched on the phone now without a SIM card, it is not going to ask any password. But when I insert this SIM card or any SIM card, this phone will ask for password. I'll show you how to solve it by the use of Miracle Box. Let's see what does it says. See, the phone is working absolutely fine, but every time when I insert a SIM card, it will ask for a password. Now I will go to settings. We go to settings, then we will go to security. You can see that this option SIM lock, it's on, and I don't know what exactly is the password. Now we will turn it on with the SIM card and we will see what does it says then. Take out the battery, insert the SIM card. SIM card these days coming with a lot of problems, you know, this micro SIM cards. Now let's insert the battery and see what does it says. See, now you can see that when I inserted a SIM card, it is asking for a SIM lock. So that option needs to be closed. That we saw in the security settings, the SIM lock should be off. And accidentally someone, the user has forgotten the password. So first of all, we will try to put the default password. That might be 1, 2, 3, 4, 5, or it might be 1, 2, 3, 4. Or it might be the last option is 0000, but it's none of these passwords. We have tried a lot, most of the default password, but none of them is working. So now we will see how to resolve this problem with the help of Miracle Box software. So friends, ab hum dekhenge kaise hum iska SIM lock remove karenge Miracle Box se isko flash karke. Ye humne apna Miracle Box yahan par open kiya hua hai. साथ में हम डिवाइस मैनेजर को भी ओपन करेंगे, क्योंकि डिवाइस मैनेजर में हमें पता लग जाता है कि हमारा फ़ोन प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों को हम साइड बाय साइड ओपन करेंगे। सबसे पहले हम मिरेकल बॉक्स खोलने के बाद एसपीडी टैब पर क्लिक करेंगे। एसपीडी टैब पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे राइट पे। राइट पे हमने क्लिक किया है, यहाँ से हम सीपीयू चूज़ करेंगे SPD6650 जहाँ पर होगा 6530 देख सकते हैं आप, ये है 6530। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हम अपनी फ्लैश फाइल चूज़ करेंगे। ये हमारा डेस्कटॉप पर फोल्डर पड़ा है सैमसंग B310SC6530, हमने इसको ओपन किया फोल्डर को, और यहाँ से ओपन करके ये हमने ये फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा होता है, ये म्यूज़िक की जो होती है, ये हमारी बूट की होती है। विदाउट बैटरी हम इसको फ्लैश करेंगे। सिम अभी इसमें कोई नहीं है, सिम हमने निकाल दी है। विदाउट बैटरी इसको फ्लैश करेंगे, ये बूट की होती है, इसको दबाकर आप तब डेटा केबल इंसर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमने ये बूट की दबाई और डेटा केबल अपनी इंसर्ट कर दी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो चुका है और फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आप ये देख सकते हैं फ्लैशिंग यहाँ पर चल रही है।
की प्रेस करके और डेटा केबल को इंसर्ट करना है। 94% 96 यह हमारा लगभग 100% होने वाला है। 100% हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं लिखा रहा राइट कंप्लीटेड। अब हम अपने फ़ोन को डिसकनेक्ट करेंगे। यहाँ से फ़ोन मैंने ये डिसकनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस फ़ोन के अंदर सिम कार्ड लाऊंगा। ये सिम कार्ड मैंने इंसर्ट कर दिया है। सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद मैंने बैटरी इंसर्ट करी। अब मैं अब इस फ़ोन को स्विच ऑन करके देखता हूँ। फ़ोन मेरा स्विच ऑन हो गया है। अब हम देखते हैं कि ये सिम पिन मांगता है या नहीं मांगता है, जैसे कि पहले ये सिम के लिए पिन मांग रहा था। तो ये देख सकते हैं आप, अब ये सिम पिन नहीं मांग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ गया न्यू सिम डिटेक्टेड। ये हमारी रिलायंस की सिम डिटेक्ट हो गई है। इसको आप सेटअप को ओके करते जाएंगे और ये हमारा सिम कार्ड, इसमें आप देख सकते हैं कि सिम डिटेक्ट हो गया है। थोड़ा वेट करेंगे नेटवर्क आने का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में जो हमारी सेटिंग्स थी, सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसमें ये सिम लॉक पहले ऑन था, अब ये सिम लॉक ऑफ हो गया। तो ऐसे हम दोस्तों इस तरीके से हम जो है इसका सिम लॉक रिमूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।